गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब भाई? आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। सो दिन की शुरुआत हो चुकी है एंड अभी ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही है। तो कल छोले बचे हुए थे तो मम्मी वही कह रहे, मम्मी कह रहे आज पूड़ी बना लेते हैं छोले के साथ, और अभी पापा के लिए आलू शिमला मिर्च की सब्जी बन रही है। सुबह सुबह तो यही रहता है कि खाने पीने का काम हो जाता है, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत घर का काम करके फिर देखा जाता है आलू का करना है। तो अभी वही डेली जो है वो ये भी नाश्ता वगैरह वो सब चल रहा है। सुबह जाइए ये वाले ब्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। ब्रेकफास्ट कर लिया है, पापा भी अभी चले गए हैं, तो अभी हमने कहा चलो काम वाम करते हैं। मशीन भी लगाई है, साथ साथ घर का काम कर रहे हैं। जो आंटी है, आंटी आज नहीं है, आंटी ने आज ऑफ कर ली। कल भी आंटी ने ऑफ किया था, कह रहे थे आंटी तबीयत खराब है, लगता है तबीयत ठीक नहीं हुई होगी। तो मैंने कहा चलो जल्दी से काम करके फिर फ्री हो जाते हैं। झाड़ू वाड़ू तो मारना ही पड़ता है, पोछा रुक जाता है पर झाड़ू तो लगाना ही पड़ता है। तो अभी बस कपड़े साथ साथ लगा के अभी जो डस्टिंग वगैरह है वही घर का काम में वही निपटा रहे हैं। आज लगी पड़ी हो तुम? हाँ आंटी नहीं आए। क्यों नहीं आई आंटी? तबीयत खराब है। तबीयत खराब है? कल भी नहीं आए। कल भी नहीं आए, परसों भी नहीं आए। नहीं परसों तो आए थे। परसों आए थे? पोछा तो रह जाता है, झाड़ू तो मारना मिट्टी मिट्टी होती है। यहाँ पे तो सबसे ज्यादा लोग आते जाते हैं, सभी यही आते हैं। तो आंटी क्यों नहीं आ रही वैसे? तबीयत खराब है ना। अच्छा चलो कोई नहीं, कल तो आएंगी। मम्मी कह रही हूँ 13 के बाद तो वैसे वहाँ जा रही है गाँव। बताओ अभी अभी थोड़े दिन पहले फुल लगवाई है? नहीं पिछले महीने लगवाई थी ना। नहीं फुल फुल हाँ, हाँ। वैसे एक दिन करके रखवाते थे हाँ। अब फुल लगवा ली तो अब छुट्टियां चालू हाँ। चलो कोई नहीं, कर लेना अपने हिसाब से बाद में हाँ, हाँ, ठीक। अभी नायका से ऑर्डर आया है तो मैंने ना ये कॉटन पैड्स ऑर्डर करे थे। सो ये मेकअप रिमूवर कॉटन पैड्स है। जब हम मेकअप रिमूव करते हैं तो ये वाले कॉटन पैड यूज़ करते हैं। एक मैं आपको ना अभी खोल कर दिखा दूँगी। सो गाइज ये वाले सबसे बेस्ट रहते हैं, 120 पीस का है। देखिए कितने बड़े है, कितना बड़ा साइज है इसका, और काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं। अगर आप रोज़ भी एक यूज़ कर रहे हैं तो मतलब 2 महीने तो ईजिली निकल ही गए। तो और बहुत अच्छे हैं, मैंने नायका के भी यूज़ करे हैं, दूसरे ब्रांड्स के भी यूज़ करे हैं, बट मुझे सबसे अच्छे जो लगे है बेला कॉटन के अच्छे लगे। इसका लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लोग ये अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं अगर आप भी एक अच्छे से मेकअप रिमूवर पैड ढूंढ रहे हैं। तो हो गए रेडी? चलो ओके जी। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल सही होंगे अपने घर पे। तो पूजा अब जा रहा हूँ मैं दुकान पे। ठीक है, ये टी शर्ट कहाँ से निकाली है? पुरानी पड़ी हुई थी। हाँ वही देखो, मैंने पहली बार देखी है ये। पड़ी हुई थी, मैं देखू सही है, अभी थोड़ी टाइट है यहाँ से। डोले शोले, अब जिम ज्वाइन कर लो जल्दी से। हाँ जिम ज्वाइन कर लो। ठीक है ओके, चलो जल्दी आ जाओ, मिलते हैं फिर रात में। रात को मिलता हूँ। ठीक है ठीक है जी, बाय बाय। लाना नहीं अभी तो कुछ नहीं खाना, कुछ तो खाओगे? होगा तो बता दूंगी, अभी तो कुछ नहीं है। ठीक है जी। मनु तो चले गए थे, देन ऊपर आ गई थी मैं, डस्टिंग वगैरह करी। उसके बाद हुआ क्या, मेरे को ना कल से ना ऐसे हो रहा है कि गले में ना बहुत पेन सा होने लग गया। बाद सुबह उठी हूँ थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया, अब दोपहर तक तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे पेन होने लग गया। तो मौसम बदल रहा है, एकदम ठंडा पानी वगैरह बहुत पीते हैं। और क्या कहते हैं, मैं वही मम्मी को बोलूँ, मैंने कहा बाद से ना शिकंजी, बाद से पी लिया, बब से शिकंजी नहीं पी, बिकॉज एक ठंडी पीते हैं, ऊपर से वो खट्टा है, तो गला ना बहुत ज़्यादा पकड़ रहा है। अचार भी बंद कर दिया है, जो हम अचार खाते थे ना मम्मी ने बनाया था वो भी बंद कर दिया। मैंने कहा थोड़े दिन परहेज करती हूँ और अभी कुछ दवाई स्टेप्स वगैरह लेकर आती हूँ तो थोड़ा बेटर फील करूँगी मैं। तो आप लोग भी कमेंट्स में बताइए गाइस, आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है क्या? कहाँ बैठे हो मम्मी? मैं अंदर ढूंढ रही परी। इसको आपके क्लिप से बड़ा प्यार है। अरे छोटू छोटू परी, छोटू परी, हेलो परी की खुशी देखो, छोटू को देखा है। ये परी का स्टाइल है। मम्मी आज मैं क्या बनाऊं बताओ? देख गर्मी इतनी है। हाँ मैं तो कहती हूँ थोड़े पुलाव। पुलाव हल्का खाना, तो वही बनाती हूँ फिर ना। दी दादू आने वाले, डैडी आने वाले, दोनों को डराए? आ गए आ गए आ गए दादू। नहीं छुपो छुपो छुपो, अभी अभी बताती है चाची। आजा 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 भाऊ 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 दादू।
दादू डर गए, दादू डर गए, दादू डर गए। इतनी खुशी दादू को डराने की। अब डैडी को डराना है, चलो फिर से छुप जाते हैं। डैडी आ रहे हैं, डैडी आ रहे हैं, अभी पापा भैया आ रहे हैं, चलो डैडी को डराते हैं, थोड़ी देर बाद आएंगे डैडी, आ जाओ फिर। वेलकम होम जी, आ जाओ। मतलब अकेले बैठी हुई थी, बढ़िया अकेले बैठी हुई थी मैं तो। मम्मी पापा हो गए सब्जी लेने। अच्छा, आज ट्यूजडे मार्केट रहे थे तो मम्मी बोल ही रहे थे भैया भाभी ऊपर है। अच्छा, परी भी अभी थोड़ी देर पहले थी, फिर वो बोर होने लग गई, फिर अच्छा, वो ऊपर चली गई वो भी। चलो हाँ, मैंने कहा पाया नहीं, कोई नहीं कोई नहीं। और क्या बनाया खाने में आज? हम वो बुलाया नमकीन पुलाव। नमकीन पुलाव, हाँ ठीक है, स्पाइसी बनाया आज आपके मतलब के। मैंने कहा वैसे खाओ ना। सुनो, मैं आपको इसलिए भी बुला रही थी, मेरी ना गला खराब हो रहा है, ऊपर देखी थी कॉफ सिल्स ही नहीं थी, नीचे गई केमिस्ट वाला, आज खुला ही नहीं, शाम को ही बढ़ा के चल। हाँ मैं कहा मम्मी पापा आ जाए एक बार, फिर कोई है नहीं ना, या तो फिर पापा को बोल देते तो भैया खोल देंगे फिर। ठीक है, बोलती हूँ, रुको पापा को। आ गए मम्मी, इतनी सारी अम्बी ले आए आप, पांच किलो है ना? हाँ देखो इतनी सारी नहीं, कटवा के ले आया। मम्मी बोल रहे थे, कह रहे थे ये घर पे नहीं कटती, वो ही काट के देते हैं, बाजार वाले काट के देते हैं। चलो सही है, 10 रुपए कटिंग कर देते हैं। 10 रुपए, ओके, 10 रुपए क्या है, 5 किलो। ना मैंने कहा डालना तो है, पूरे साल खाते रहो। हाँ तो कल डालोगे अब अचार? अब रात को धो के रख दूंगी ना, पहले सुबह डाल दूंगी। ठीक है, सुबह 12-1 बजे जैसे हम फ्री होते हैं तब डाल देंगे। हाँ ठीक है, तो बाकी सब्जी भी, टमाटर कुछ वहाँ सस्ते मिले, वही प्राइस थे? अरे यहाँ 20 रुपए पाव थे, 80 रुपए किलो, वहाँ 60 रुपए किलो मिले। ओके चलो, एक पाव एक्स्ट्रा मतलब। मैं फिर 1 किलो ही लाई, यहाँ खीरे 1 किलो लाई 60 रुपए के। फलियाँ लेके आई 20 रुपए पाइया। ठीक है, हम ये ना ये लाई हूँ, अदर 3 पाव है, ये 50 रुपए के दिए उसने। छोटी छोटी जो भाभी ना मैंने लिया ना, हाँ। इसको छोटे छोटे करके ना, हाँ। मेरे को तो ऐसे तो सब्जी लेने में थोड़ा सा वेट लगा के, ज्यादा टाइम तो आंबी, देखो वो आंबी में लग गया होगा। इस दुकान से नहीं, उस दुकान से तो मम्मी फिर आंबी वाले के पास आ गए वापसी, फिर कह रही थी 5.5 किलो आंबी कटाने में सब टाइम लगता है। उसने काटी, हमने थैलियों में भरी। क्या पूजा की मम्मी को फेल कर दिया? अचार में सब है ना, अचार खाने के शौकीन है। अब डाल दूंगी 10-15 दिन में डल जाएगा। पूजा की मम्मी को फेल कर दिया चक्कर में, पूजा की मम्मी ने बना के दिखाया था कि कैसा है वो, दूसरा था ये वाला नहीं, ये दूसरा बनता है, ये दूसरा, हाँ ये वाला बनेगा, हाँ वो इंस्टेंट होता है ना, ये दूसरा होता है, ये वाला छोटे वाला बना रहे। हाँ नहीं, ये तो आप बनाते रहते हो हर साल। छोटे वाला लग गया। हाँ मैं तो पहली बार खाया था पूजा के, मतलब मम्मी ने खिलाया था तो बड़ा टेस्टी लगा, उसके लिए ये अलग लानी है, तो ये वाला बनाना आप छोटे वाला। चलो अभी आगे टेस्ट कराना है। ठीक है ठीक है, मेरा उनको टेस्ट कौन से आगे ले आए? नहीं 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 ठीक है, मम्मी ने कैसा बनाया? ठीक है पूजा। हाँ जी, चावल तो बहुत टेस्टी बने आज। सही बने ना? हाँ है मम्मी। हाँ कैसे बने? पूजा ट्रेंड हो गया। मैंने पहले इसको बोल दिया था ना पूजा को कि थोड़ा स्पाइसी बना दियो प्लीज, मेरे मतलब के बने। जब से मैंने इस घर में चावल बनाया ना, अब तक तो मुझे सबसे बेस्ट अपने चावल में, नहीं टेस्टी बने हैं। क्यों मम्मी? अच्छा ना, मुंह में ट्रेंड हो गया। पापा आपकी शर्ट की बड़ी तारीफ हुई है। हाँ। मैं इतनी तारीफ हुई है, मैं भी देखूं पहन के पापा की शर्ट।
वो कह रहे हैं मम्मी पटाखे फूंकी है, पापा ने मन्नू को पीछे छोड़ा। मगर पसंद किसने करवाई थी ये बता दो सच सच। मन्नू ये शर्ट बहुत अच्छी थी ये। गाइस ये मैंने इसलिए पसंद कराई थी क्योंकि मेरी फिटिंग बिल्कुल ओके थी। हाँ, टू इन वन काम हो गया। टी शर्ट उतार के वो तो पहन के देख रहा हूँ कि फिटिंग आ रही है नहीं आ रही। बिल्कुल ओके हो रहा था, एकदम सही है मेरी फिटिंग में, एकदम सही आ रखी है। ये मैंने इसलिए तो दिलवाई है पापा को, मुझे पसंद थी, पापा को भी पसंद आ गई। हाँ, फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मेरी पसंद पापा को पसंद आ रही है तो मैं ही पहनूंगा, पापा ही पहनेंगे। ऊपर कपड़े उठो। सही है एकदम, सही है, सही एकदम, फर्स्ट क्लास। कहीं जाएगा हाँ जी। तो तीन मुझे मेरी परेड कराई है ना, कौन सी ये वाली रखा। कोई बात नहीं, कोल्ड की दवाई खा लो, कोल्ड की दे दो मुझे, दे दो। हाँ मेरे को बॉडी टूट रही है, ये ना सुबह सुबह आपको कल बोल रही थी ना रात को कि मुझे लग रहा है मुझे दो तीन दिन में फीवर होने वाला है। हाँ ठंड लग गई है तुम्हें, मौसम बदल रहा है। हाँ एसी कोई नहीं हो जाता है, वो एसी में बैठते एसी वाला मौसम रह नहीं गया। गाइस एक तो रात को तबियत इनकी कोल्ड हो गया, पंखा भी बंद करवा रखा है, देखो एसी भी बंद है, ये देखो ब्लॉग के लिए बंद है, ब्लॉग के लिए बंद है, ए सी चल रहा है, ये तो ब्लॉग के लिए बंद है। थोड़ा पंखा चलाऊंगा मैं। हाँ नहीं पंखा चलाओ, गर्मी तो लग रही है मुझे, आप पे दर्द हो रहा है और ना इसकी वजह से ना ये इधर आ रहा है और सर पे आ रहा है। चलो कोई नहीं, आप कम बोलो और अपने दवाई खाओ। हाँ दवाई और रेस्ट करो, सो जाओ, प्लस और वो चेस्ट ला दो, ला दे दो मेडिसिन, मतलब फर्स्ट एड बॉक्स लेने आया हूँ मेडिसिन के लिए, दवाई खिलाया तो सही हो जाएगी। चलो दवाई खाओ फटाफट और आराम से रेस्ट करो, सो जाओ, सुबह बिल्कुल ठीक ठाक होके उठना, ठीक है, ठीक है ना। ये चलो ठीक, चलो अपना रेस्ट करो। मेडिसिन तो खा लिया है एंड मैं बोल ही रही थी सुबह से ही, बोल रही थी मेरे को ऐसे लग ही रहा है मेरी तबीयत खराब होने वाली है। इसी भी थोड़ी देर बंदे ने चलाया था, मैंने मंदू को मना कर दिया था, मैंने कहा बंद कर दो, मेरे को बहुत ज्यादा छींकें आने लग गई थी एंड अभी भी ना बहुत ज्यादा मतलब हाथ में ऐसे लग रहा है, थोड़ा शेक हो रहा है। तो बस मैं मेडिसिन खा के आराम करती हूँ, होपफुली कल तक मैं सही हो ही जाऊंगी। तो कमेंट्स में जरूर बताना क्या कोई न्यू वायरल तो नहीं चल पाया, बिकॉज मौसम जब चेंज होता है तब कुछ ना कुछ जरूर होता है। सो गाइज इसी के साथ ये वाला जो ब्लॉग है करती हूँ मैं, जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मिलते हैं आपसे कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।